प्लीज़ मेरे हालात और मेरी मजबूरी को समझो और ये भूल जाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी से राहिला नाम की किसी लड़की का गुजर भी हुआ था। क्या इतना आसान होता है किसी के लिए यूं भुला देना किसी को? एक कदम अदनान के घर जा रहे हैं तारीफ में। नहीं ना, मैं नहीं आ सकती। अम्मी को पता चल गया ना, शामत आ जाएगी मेरी। नहीं, घर वाले जान से मार डालेंगे मुझको। नहीं, उस दिन याद है राहिला पिन देख लिया था, कैसे तुम दबा के भागे थे तुम? उज़्मा, ओके खुदा हाफिज। उज़्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ताजा हुआ। अब क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं। ये मोबाइल क्या कर रहा है तुम्हारे पास? राहिला आप ही का। हाँ, लेकिन तुम किससे बात कर रही थी? उन की दोस्त का फोन था। तुम कैसे जानती हो राहिला की दोस्त को? आप नहीं जानती। उज़्मा, राहिला की दोस्त उज़्मा, पवे अब तो पैसा भी आ गया अपने पास, ये घर भी अपने नाम हो गया। क्या बोलता तू, शकीला के घर रिश्ता लेने के लिए जाया जाए? इज्जतदारों की तो लेने दो दादा, ये इज्जत हम जैसों के लिए नहीं है। क्या बकवास कर रहा? मैं चेट वो दबा दूंगा, तेरी गर्दन निकाल दूंगा मैं। आप गर्दन छोड़ो, टूट जाएगी। चल चल बोल क्या बोल रहा है। सही कह रहा हूँ मैं, इज्जत वालों की तरह जाओगे ना रिश्ता लेके तो बेइज्जती होगी। क्यों, मैंने किसी की भैंस चुरा रखी है क्या? भैंस नहीं चुराई है दादा, बात को समझा करो। ये जो इज्जत वाले लोग होते हैं ना, शरीफ वरीफ, ये बड़े हरामी होते हैं। इनसे प्यार से बात करो ना तो बदमाशी दिखाते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, आंखें दिखाते हैं। और अगर बदमाशी से बात करो ना, फीकी बिल्ली की तरह भाग जाते हैं। कह तो तू ठीक रहा है, जग्गू दादा का तजुर्बा भी कुछ ऐसा ही है, पर क्या करें यार, उसके बगैर रहा भी तो नहीं जाता। और वो है कि एक झलक नहीं दिखलाती अपनी, सारी नजर ही नहीं आती। हाँ जग्गू दादा, जी 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 जी, समझ गया जी जी, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं समझ गया। जी जी जी, कौन है दादा? समझ ले कि काम शुरू। क्या आप जाएंगी? मुझे किसी ने कहा नहीं अभी तक, और अगर कहा तो जरूर जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। क्यों क्यों नहीं जाओगी तुम? क्योंकि बच्चों, वहां पे सब कुछ होता हुआ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मैं आपको बता चुकी हूं पहले, इस घर की हर खुशी और हर गम में हमें अपना भरपूर हिस्सा डालना है। सुन रही हो ना शकील? क्यों,
हमारे साथ इस घर में बहुत अच्छा सलूक होता है। नहीं, ये बात नहीं है। मेरी बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से सबको यकीन दिलाया कि मैं इस रिश्ते पर नाखुश नहीं हूं। अगर हम दोनों में से कोई नहीं जाएगा तो फिर बातें बनेंगी। ठीक है बच्चों, अगर यही वजह है तो मैं जरूर जाऊंगी आपके साथ। ठीक है, मजा आया? गुड जॉब। और अभी जाके ना फिर हम लोग और भी खेलेंगे। अंधे हो गया, देख के नहीं चलते क्या? ज्यादा भरम नहीं करा वरना यहीं ढेर कर दूंगा तुझे। अच्छा अभी मजा चकाता हूँ, जरा फोन करता हूँ ना तो तुम्हें पता लगेगा। Help! 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 बचाओ! कोई है? बस आवाज नीचे, वरना जितनी गोलियां इसमें तेरे भेजे में डाल दूंगा और भेजा होगा बाहर। Help! Help! Hey! Hey! ना चल। चुप। मम्मी। Hey! चुप कर। गाड़ी में बैठो जाके।
चलो जाओ जाओ यहाँ से। कोई कुछ नहीं, कुछ फिक्र ना करो। ना ना बेटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, डोंट वरी, डोंट, काम डाउन, काम डाउन, कुछ नहीं होगा। चलो चलो आओ आओ आओ, गाड़ी में बैठो, आओ जल्दी बैठ, आ जाओ। जगू दादा, सारा क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। ओ यार, कोई इतना मुश्किल चक्कर भी नहीं है जो तेरी समझ में ना आए। पर वो सेठ तो वही नहीं था। बच गया जगू दादा से। क्या चक्कर है सारा, तू नहीं समझेगा, ये ऊंचे लेवल का चक्कर है। हाँ साहब, ठीक था ना सब? वेरी गुड, बहुत खूब, शाबाश। अब क्या हुकुम है साहब जग्गू दादा के लिए? बता दूंगा बता दूंगा। अभी तुम दो चार दिन बाहर मत निकलना, कुछ दिनों में रब्ता करूंगा। ओके जी साहब, समझ गया जग्गू दादा, FIR का केस है ना। क्या रहा, कुछ पता चला कौन था वो आदमी? बहरहाल मुल्ज़िमान के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर लिए। क्या जरूरत थी तुम्हें उन लोगों से उलझने की, सारी वेडिंग एनिवर्सरी खराब कर दी हमारी। यार मैं कहाँ उलझा था, वो तो खुद मुझसे टकराया था और मेरा रिएक्शन तो फितरी था, और मुझे क्या मालूम था कि वो गन निकाल लेगा। मुस्कान सो गई? बहुत डर गई थी, मुश्किल से नॉर्मल हुई है। तुम भी जाकर सो जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो तुम भी जाकर सो जाओ, तुम भी डिस्टर्ब होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो मेरे होते हुए तुम्हें नहीं डरना चाहिए। मुझे तो कोई टेररिस्ट लग रहा था वो। बी काम, ऐसे पता नहीं कितने घूमते फिरते रहते हैं शहर में। पता नहीं, कभी कभी तुम्हारी मौजूदगी से बहुत ढारस हो जाती है। सिर्फ कभी कभी? मैं समझी थी कि तुम दोनों सो रहे होगे। नहीं तो बस अभी थोड़ी देर में सोने वाले थे। अच्छा, वो कल हम लोग अदनान के घर जा रहे हैं, तुम दोनों ने भी साथ चलना। बाजी, हमारा चलना जरूरी है क्या? तुम इस घर का हिस्सा हो, बल्कि हमारा हिस्सा हो, तो इस घर की हर खुशी और हर गम में तुम दोनों का होना तो बहुत जरूरी है ना। ये तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ चले? नहीं, अम्मी ने कहा कि जाके राहिला और शकीला से कह दो कि वो भी साथ चलेंगे। साइमा घर पे अकेली रहेगी। मैं साइमा के साथ रुक जाऊं, वो अकेली होगी। नहीं, वो अकेली रह लेगी, तुम लोगों ने चलना है। और कल अच्छे से कपड़े पहन लेना। हाँ, और अब्बू? वो तो बहुत खुश है अम्मी के इस रवैये पर कि उन्होंने आखिरकार तुम दोनों को कबूल करना तो शुरू किया। हेलो, इमरान बात कर रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे यहाँ फोन मत करना, फिर ये क्या हिमाकत की है तुमने? मुझसे इमरान ही
स्टूपिड, क्या जरूरत थी तुम्हें फोन करने की? तो कैसे रब्ता करता? दो तीन दिन हो गए मुझे बाहर आए, मगर आपने कोई रब्ता ही नहीं किया। मैं जब मुनासिब समझूंगी रब्ता कर लूंगी, और आइंदा ये गलती कभी मत करना, समझे तुम? हाँ शाहजी, ठीक है। हाँ तो सही है, ओके ठीक है, मैं वेट करूंगी। आइए आइए भाई साहब जी। हाँ आओ बेटा। घर ढूंढने दिक्कत तो नहीं? नहीं, घर बहुत आसान है, बड़ी आसानी से मिल गया। चलो अदनान को बुला लो ताकि सबके सामने बात हो जाए पूरी तरह। माशाल्लाह माशाल्लाह, घर तो बहन बहुत अच्छा है आपका। ऐसे तीन और भी हैं लेकिन वहां कोई रहता नहीं है, नौकर हैं सिर्फ। बड़े साहबजादे क्या करते हैं आपके? उसको क्या करना है, बाप का इतना बड़ा बिजनेस है, वो तो अदनान संभालता है। इसको बस घूमने फिरने का बहुत शौक है, कहता है कि मेरा दिल यहाँ नहीं लगता। वालेकुम अस्सलाम। जी तेरा बेटा, जी तेरा। तशरीफ रखें। तो भाई साहब 16 तारीख को हम बारात लेके आ जाएं? 16 तारीख कुछ जल्दी नहीं हो जाएगी अगर अगले महीने की को रख ले? नहीं भाई साहब, 16 मुनासिब रहेगी। अब आंटी थोड़ा सा अगर आगे कर लें तो हमें भी तैयारियों का मौका मिल जाएगा। कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, मुझे सिर्फ अपनी बहू चाहिए। अरे नहीं नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हैं, हमारे घर की पहली खुशी है माइयों मेहंदी रचेगा, हम अपने सारे अरमान पूरे करेंगे। वो तो हम भी करेंगे भाई, हमारे घर की भी पहली शादी है, सारे अरमान निकालेंगे हम। क्यों भाभी? ये सब कुछ आप लोग करना, मुझे तो सिर्फ अपनी बहू चाहिए, मैं सब जिम्मेदारियां उसको सौंपकर सुकून से रहना चाहती। बस बहन, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा, आप बारात लेकर आ जाएं, मेरे जिगर का टुकड़ा तो आपका हुआ। चलिए आप खाना खाते और मुंह भी वहीं मीठा करेंगे, आइए चलिए। क्या बच्चियों का बुढ़ापा इसी दहलीज पर करवाओगे? ये सोचा है तुमने कि कितने पैसे खर्च होंगे इसमें? कम से कम 4-5 लाख रुपए लगेंगे। मुझे फौरी तौर पर 5 लाख रुपए की जरूरत है। 5 लाख? क्या करोगे इतने पैसों का तुम? मुझे आपकी ऑफर कबूल है, मैं ड्रामा करने के लिए तैयार हूँ, मोहब्बत का ड्रामा। रानी बेटी राज करे।